डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएनआर ट्रैवल भारत में। आज हम आए हैं खंडर बन चुके एक पुरानी मस्जिद फूतिया मस्जिद पर। ये पुरानी मस्जिद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के अंतर्गत कमारपुर इलाका में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसे नवाब सरफराज खान ने 1740 में एक ही रात में बनवाया था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि नवाब ने कई महीनों तक राजमिस्त्रियों को काम पर रखा था। असल में मित्र की भूमिका को एक दिन कहा जाता है। मस्जिद के पूरा होने से पहले नवाब अली वर्दी खान के साथ युद्ध में नवाब सरफराज खान की मृत्यु हो गई। यह भव्य मस्जिद 135 फीट लंबी और 38 फीट चौड़ी है। इसके चारों कोने पर 5 गुंबद और 4 सर्पिल सीढ़ियां है जो गुंबद से घिरी हुई है। हालांकि गुंबद अभी भी अधूरी है। यह मस्जिद वर्तमान में खंडर बन चुकी है और चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और हालत ऐसी है कि ये पुरानी मस्जिद कभी भी गिर सकता है। मस्जिद में घुसते ही हमें सांप का खोल दिखाई दिया। इससे पता चलता है कि ये पुरानी खंडर सांपों से भरा पड़ा है। अभी मैं जो करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि मैं इस गुंबद के इस माध्यम से अधूरी सीढ़ियों के सहारे छत पर चढ़ने की कोशिश करूँगा। हालांकि छत पर चढ़ने के लिए जो ग्रिप चाहिए हमें वो है नहीं। बहुत भी रिस्क लेकर ऊपर तक जा रहे हैं और जा रहे हैं इसलिए कि ऊपर का जो सिचुएशन है, ऊपर का जो हालत है वो आप लोगों को दिखा सके। सबसे डरावनी बात यह है, दीवार सांपों से भरी है और दीवार इतनी पुरानी है कि कभी भी गिर सकती है। बहुत जद्दोजहद के बाद ऊपर तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन पता नहीं नीचे कैसे उतरेंगे। कहा जाता है कि नवाब सरफराज खान इस मस्जिद को अपनी अक्षय कीर्ति के रूप में बनवाना चाहते थे, इसलिए उसने एक ही रात में इस विशाल मस्जिद को बनाने की कोशिश की। 1739 ईस्वी में सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका बेटा सरफराज नवाबी मसनद में बैठा। सरफराज भले ही मसनद पे बैठे थे, लेकिन उन्होंने राज्य का शासन का भार मंत्रियों को सौंपकर विलासिता और अराजकता का रास्ता अपनाया। उनके शासनकाल में अराजकता इतने बढ़ गए कि मंत्री परिषदों के साथ उनके संघर्ष बढ़ने लगे। अंत में दिल्ली के बादशाहों को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा और परिणाम ऐसा हुआ, नवाब अली वर्दी खान के नेतृत्व वाले सेना ने नवाब सरफराज खान को मार गिराया। नवाब सरफराज ने अपने जीवन काल में अपनी स्मृति को संरक्षित करने के लिए इस मस्जिद का निर्माण शुरू किया था, लेकिन शत्रुता में लिप्त होने के कारण काम पूरा नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि छत बीच बीच में टूटा हुआ है और दीवार कितना कमजोर पड़ गया है, और दीवार के साथ चारों तरफ छत में जंगल से घिरा हुआ, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ स्टेप रखूँ और कहाँ नहीं रखूँ, क्योंकि जंगल से भरा पड़ा ये छत कहाँ पे टूटा हुआ है और कहाँ नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी बहुत ही बारीकी से हम अपना कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, देखते हैं नीचे कैसे उतरे।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दिया हुआ बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा।